जाने का हुनर मुझको सिखाते जा रहे सभी नाच मिटाते अस्सलाम वालेकुम। आईसीबी के साथ मैं हूं अदनान खान। आज तक जितनी भी सोशल मीडिया पे बच्चों की वॉइस जो वायरल हो रही है वो हम देख रहे हैं। ऐसा ही एक बच्चा जिसकी आवाज़ कराची की सड़कों पे शहरों पे गूंज रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, वो बच्चा आज हमारे साथ है। आपको उससे मिलवाते हैं, उसकी आवाज़ आपको सुनवाते हैं कि वो किस टैलेंट का वो माहिर है, क्या टैलेंट रखता है, उसकी आवाज में कितना टैलेंट है और कितना मजा है। तो आइए मेरे साथ, आपको दिख रहा होगा कि बच्चा एक पीछे बैठा हुआ जिसका नाम अब्बास है, वो एक फोर व्हील मैकेनिक है, ये काम करता है। बाकी इसकी जितनी भी जिंदगी कहानी है वो इसकी जबानी हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अब्बास? क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो? अच्छा, 5 मिनट हमें दे सकते हो अपने? चलो इधर आओ हमारे साथ, आपके 5 मिनट अब्बास हमें चाहिए। आप ये बताओ कि आपकी जो आवाज़ है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, हमने भी सुनी और लोगों ने भी सुनी, तो क्या आप अपनी आवाज़ हमारे चैनल को दे सकते हो, हमें गाना सुना सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि आपकी आवाज़ जो है वो कितनी मज़ेदार है, कर सकते हो? तालीम में आपने हासिल नहीं करी तो कितने बहन भाई हैं आप? 7 बहन भाई हैं, 3 बहन हैं, 4। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? जी। वाली साहब आपकी क्या करते हैं? वो रक्षा चलाते हैं, अभी रक्षा उनका छूट गया। अच्छा, उस वजह से मजदूरी कर। अच्छा, कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हो? बस 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए इधर ही काम कर रहे हो या कहीं और भी काम किया है? इधर भी करा था, और भी करा। अच्छा, बड़ा वायरल हो रहे हो, आपकी आवाज़ वायरल हो रही है, तो अभी तक कोई आपके पास ऐसा शख्स आया जिसने आपको कहा हो कि अब्बास मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप गाने गाओ, ऐसा कुछ है? नहीं है। तो चलो हमें एक गाना अच्छा सा आप सुनाओगे। चलो चलो। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नाच मिटाते जाओ, चलो रसमन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, काटते काटते तालुक को निभाते कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। इसके अलावा कोई और तुम्हें गाना या कोई हम्द या नाद आती हो? जी, चलो वो भी सुनाओ जरा। जानम फिदा हैदरी यानी अली अली, जानम फिदा हैदरी यानी अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली।
दस्त में अब्र का पहला कतराली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, रमजे बताए हाशमी ज्ञानी, अली अली जानम फिदाए हैदरी ज्ञानी अली अली। व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि 15 साल अब्बास जो है वो एक कार मकैनिक या फोर व्हील मकैनिक का ये काम करता है जिस जगह इसकी रिहाइश है। आप देख सकते हैं कि जिस जगह ये काम कर रहा है यहाँ पे अभी तो रश नहीं, पर जब ये आता है यहाँ पर तो लोगों का रश लग जाता है कि यार अब्बास हमें आपसे गाना सुनना है। जिस जगह ये रहता है उस जगह लोगों को रश लग जाता है। राहत फतेह अली खान का जो इन्होंने गाना गाया, तो ऐसे बहुत कम टैलेंटेड लोग होते हैं कि भाई वो इन चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। तो ये जो अब्बास है इतनी छोटी उम्र में इन्होंने जो कुछ सीखा, कोई इनके उस्ताद नहीं है, अब्बास ने टीवी में देख के सीखा, सुन सुन के सीखा, अब ये गाते हैं। अगर इनको मौका मिले, अब्बास अगर तुम्हें कोई मौका मिलता है जाने का किसी स्टूडियो में परफॉर्म्स करने का तो करोगे? करोगे। अच्छा ये बताइए कि बच्चा कितने अरसे से आपके पास है? मेरे पास 6 साल से है। अच्छा, और जब से ये सिंगिंग कर रहा है, मतलब ये 6 साल से ही कर रहा है या अभी स्टार्ट किया इसने? नहीं नहीं, ये 3 साल हो गए इसको। 3 साल से, ठीक है। उस्ताद क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कम उम्र बच्चे जो इतना जबरदस्त हुनर रख रहे हैं, इनकी आवाज इतनी जबरदस्त है कि इनको मौका मिलना चाहिए आगे? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए और काफी लोगों को देना चाहिए इनका साथ। बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। तो व्यूवर्स बात ये है कि ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो कि बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें से एक बच्चा अब्बास हमारे साथ है, 15 साल इसकी उम्र है। इसकी आवाज़ आप रियल में सुने तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और अब्बास की आवाज़ सुनने को बेचैन होते हैं। अब्बास के लोग उस्ताद से पूछ के जाते हैं कि यार ये अब्बास बच्चा कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब हम भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, जब हमने इसकी लोगों से सुना इसके बारे में, तो हमने भी इसको ढूंढा, सर्च किया, उसके बाद ये बच्चा हमें जाके मिला। तो इसको सपोर्ट करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें और इसको सपोर्ट कराएं, कमेंट्स करें इसके बारे में। जो लोग जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जो पीछे रह जाते हैं मसाइल की वजह से, वसाइल की वजह से, तो ऐसा ना हो, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब्बास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाए, सपोर्ट किया जाए और इसके लिए दुआएं की जाएं कि ये बड़ा हो जाए, बड़ा होकर जो ये कामयाबी की तरफ जाए और इस फील्ड के अंदर ये आना चाहता है, जो फील्ड ये चाहता है कि भाई मेरे को सिंगिंग का शौक़ है। तो अल्लाह पाक इसे कामयाबी दे। तो फिर मिलेंगे कोई न्यू कॉन्टेंट के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।